हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड सीरीज बाय फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है, तो केस नंबर 3 हमारा, व्हेन इंडिविजुअल रूट्स आर हैविंग डिफरेंस एज इंटीजर, जब हमारे इंडिविजुअल रूट्स में डिफरेंस हो खाली इंटीजर का, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू c1 y m1 + c2 डेल y / डेल m m2। अब इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, m1 इज ग्रेटर देन m2 होना चाहिए। ठीक है, m1 बड़ा होना चाहिए m2 से, तो हम इसे इसके बाद रिप्लेस करेंगे a0 को b0 ब्रैकेट स्टार्ट m1 - m2 ब्रैकेट क्लोज। हमें a0 को इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, x2 d2y/dx2 + x (dy/dx) + x2 - 4 (y) = 0। अब मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में हमें जो y डबल डैश का कोफिशियंट होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 1 बनाने के लिए डिवाइड में ले जाएंगे, तो इधर d2y/dx2 + 1 - 4 (x)² (y) = 0। ठीक है, अब हमें पी क्यू लिखना है, तो हमने लिख दिया p = 1/x और q आ गया हमारे पास 1 - 4/x² या x² - 4/x². ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाला रामबाड़ इलाज है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला ज्यादा इजी है। इसमें हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी, ठीक है, कौन सी कंडीशन सुटेबल है। तो चलते हैं अपने ऑर्डिनरी पॉइंट वाली कंडीशन पे। तो हमारी ऑर्डिनरी पॉइंट वाली कंडीशन है, x → 0 px = ∞। अभी इन्फिनिटी क्योंकि आया है, 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी हो गया। एंड लिमिट x → 0 qx, x² - 4/x², अब x² डिनोमिनेटर में, तो क्या इन्फिनिटी, सॉल्व करके भी इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो x = 0 पे px और qx बोथ आर नॉट एनालिटिक। हमारे x = 0 पे px और qx क्या है, दोनों एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहेंगे, x = 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ये हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों एनालिटिक नहीं है। अब चलते हैं अपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन पे। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन लगाते हैं, लिमिट x → 0 x (px) = x (1/x), ये हो गया p और ये हो गया x (1/x), तो x x कैंसिल आउट हो गया, 0 कहाँ पुट करेंगे तो 1 आएगा, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। अब लिमिट x → 0 x² * qx, x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x² - 4, अब ये क्या -4 जो कि फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब x = 0 हमारे x = 0 पे हमारे x² * qx बोथ क्या है, हमारे एनालिटिक है। एट x = 0 x² * qx बोथ आर एनालिटिक। तो हम कह सकते हैं कि x = 0 पे हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन जो की होती है, y = a0x^m + a1x^m+1 + a2x^m+2 + a3x^m+3 ... अब इसका डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो y' = a0m (x^m-1) + a1m+1 (x^m-1) + a2m+2 (x^m-1) + a3 (x^m-3) ... अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा y डबल डैश आएगा। तो y डबल डैश क्या है, y डबल डैश हमारे पास a0m(x^m-1) + a1m+1 (x^m-2) + a2m+2 (x^m-3) ... अब हमें क्या करना है, हमने जो वैल्यू निकाली है y डबल डैश और y डैश की, इसे हमें पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y डबल डैश एंड y डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, अब देखते क्या आया, ये x² y डबल डैश था, तो x² y डबल डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो देखिए y डबल डैश क्या था हमारे पास, m (a0x^m-2) + m+1 (a2x^m-2) + m+3 (a2x^m-3) + x (y) था। अब y डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो x y डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास m (a0x^m-1) + m+1 (a1x^m-2) + m+2 (a2x^m-1) + m+3 (a3x^m-2) + .. अब
एच स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई था, वाई की वैल्यू पुट कर दी, ए नॉट एक्स आर एम प्लस ए वन एक्स आर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स आर एम प्लस टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स आर एम प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें क्या करना है, बाकी जैसे हमने पिछले सीरीज के क्वेश्चन करे, हमें वैल्यूज निकालनी है, पहले रूट्स निकालने उसके बाद वैल्यूज निकालनी है। अब रूट्स और वैल्यूज कैसे निकाले, हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, मैं इसमें डीप में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं खाली कोफिशिएंट निकाल के दिखा दूंगा, मतलब कोफिशिएंट दिखा दूंगा। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इक्वल्स टू जीरो, एम इंटू एम माइनस वन इंटू ए नॉट प्लस एम ए नॉट माइनस फोर इंटू ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम क्या आ गया, एम इंटू एम माइनस वन इंटू ए नॉट प्लस एम इंटू ए नॉट माइनस फोर ए नॉट। हमें क्या दिख रहा है, ये बन रहा हमारा एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए नॉट इज टू जीरो, ठीक है। ए नॉट हम जीरो नहीं रख सकते क्योंकि हमें सारी टर्म्स ए नॉट में चाहिए, अगर ए नॉट जीरो रख देंगे तो पूरी सीरीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एम इससे हमारे रूट्स निकलेंगे, तो रूट्स आ गए हमारे पास एम स्क्वायर टू माइनस टू और प्लस टू, रूट्स आ गए। अब रूट्स कैसे हमारे पास, रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है और डिफर बाय इंटीजर है। हमारे पास रूट्स है अलग अलग है और डिफर बाय इंटीजर है, अब इंटीजर से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन बाद में लगाएंगे, पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की पावर एम के बाद कोफिशियंट किसकी पावर का कंपेयर करने के लिए आएगा, एक्स की पावर एम प्लस वन, क्योंकि धीरे धीरे पावर इंक्रीज होती जाएगी ना कोफिशियंट की, ठीक है। तो एम प्लस वन इंटू एम इंटू ए वन प्लस एम प्लस वन इंटू ए वन माइनस फोर ए वन इज इक्वल टू जीरो, यह आया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस थ्री इंटू ए वन इज इक्वल टू जीरो। हमने सॉल्व करा, हमारे पास अभी हमने रूट्स को निकाल लिया, तो इससे रूट्स नहीं आएंगे, इससे हमारी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आ गई हमारी ए वन इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास ए वन क्या आ गया, जीरो आ गया। हमें ध्यान रखना है, हम जो ऑर्डिनरी पॉइंट वाले में कंडीशन लगाते थे उसमें हमें क्या फाइंड करना होता था, ए टू ए थ्री ए फोर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाले में ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो ए वन आ गया हमारा जीरो। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स बार एम प्लस टू इज टू जीरो, एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन इंटू ए टू प्लस एम प्लस टू इंटू ए टू प्लस ए नॉट माइनस फोर ए टू इज टू जीरो, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया कोफिशियंट ऑफ एक्स बार एम प्लस टू का, अभी तो सॉल्व करो, तो हमारे पास आया एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस इंटू ए टू प्लस ए नॉट इज टू जीरो। अब हमें निकालना क्या, ए नॉट के टर्म्स में निकालना, तो ए नॉट इस तरफ गया तो नेगेटिव साइन हो गया, माइनस ए नॉट ए टू ये डिवाइड में चला गया, तो हो गया एम एम कॉमन निकाल लिया, तो हो गया एम इंटू एम प्लस फोर, ठीक है। ए टू वैल्यू आ गई हमारे पास ए टू इज टू माइनस ए नॉट अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर। हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स आर एम प्लस थ्री इज टू जीरो से, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ एक्स आर एम प्लस थ्री इज टू जीरो निकालना, तो हो गया हमारे पास कोफिशियंट एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस टू इंटू ए थ्री प्लस एम प्लस थ्री इंटू ए थ्री प्लस ए वन माइनस फोर ए थ्री इज टू जीरो। अब एम प्लस वन इंटू एम प्लस फाइव इंटू ए थ्री इज टू माइनस ए वन आया। हमारे पास ए वन की वैल्यू क्या थी आपको पता होगा, जीरो थी, जैसे हमने निकाला ए वन इज टू जीरो, तो ए वन की वैल्यू जीरो हो गई, तो पूरी ए थ्री की टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले कोफिशियंट पे, अगला कोफिशियंट किसका आएगा हमारे पास, कोफिशियंट ऑफ एक्स बार एम प्लस फोर इज टू जीरो। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स बार एम प्लस फोर क्या है, एम प्लस टू इंटू एम प्लस सिक्स ए फोर प्लस ए टू इज टू जीरो, ए फोर इज टू माइनस ए टू अपॉन एम प्लस टू इंटू एम प्लस सिक्स। अब हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, ए टू पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर निकालना इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो ए फोर निकाला, ए टू की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी माइनस ए नॉट अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर, क्योंकि एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स ये हमारी आ गई ए फोर की वैल्यू। आपने देखा है कि इवन वाली टर्म्स में वैल्यूज आ रही हैं और ऑड वाली टर्म्स में नहीं आ रही, जैसे ए वन हो गया ए थ्री हो गया, तो सिमिलरली ए फाइव ए सेवन ए नाइन भी हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। ए फाइव ए सेवन ए नाइन जीरो होंगे। अब निकालते हैं ए सिक्स, ए सिक्स आया हमारे पास माइनस ए नॉट अपॉन एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स इंटू एम प्लस एट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो दो का पैटर्न इंक्रीज होता जा रहा है, एम एम प्लस टू एम प्लस फोर एम प्लस सिक्स इंटू एम प्लस एट। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में एक बार लिख लेता हूं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन वन लिख दी, वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट एम प्लस ए वन एक्स आर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स आर एम प्लस टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स आर एम प्लस थ्री प्लस ए फोर इंटू एक्स आर एम प्लस फोर प्लस ए फाइव इंटू एक्स आर एम प्लस फाइव प्लस ए सिक्स इंटू एक्स आर एम प्लस सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स आर एम एज इट इज, ए वन हमारा जीरो था तो ए वन जीरो हो गया, ए टू हमारा था माइनस ए नॉट अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर एक्स आर एम प्लस टू। अब ए थ्री जीरो था, अब चलते हैं ए फोर वैल्यू पुट करने, तो ए फोर की वैल्यू क्या होगी, प्लस ए नॉट इंटू एक्स आर एम प्लस फोर अपॉन एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स। माइनस ए सिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए नॉट अपॉन एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स इंटू एम प्लस एट।
ऊपर है एक्स आर एम प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमें कंडीशन के हिसाब से निकालना होता है, तो हमारी कंडीशन थी इस वाली में वाई इक्वल्स टू सी वन वाई एम वन प्लस डेल वाई बाई डेल एम एम टू, जिसमें हमें देखना होता है एम वन इज ग्रेटर देन एम टू। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट करते हैं ए नॉट की बी नॉट एम वन माइनस एम टू से। अब पहले हमें क्या निकालना है, वाई एम वन निकालना है, वाई एम वन हमारा गया टू है, हमें ध्यान रखना है कि एम वन हमारा ग्रेटर होना चाहिए एम टू से, ठीक है। तो एम वन आ गया हमारा टू, हमने टू पे वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ए नॉट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स स्क्वायर इंटू एट इंटू टेन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गई हमारी एम वन पे वैल्यू, वाई एम वन पे वैल्यू आ गई हमारी। हमें क्या करना है, अगली बार में रिप्लेस कर देना है ए नॉट को किससे, बी नॉट इंटू एम प्लस टू से, क्योंकि हमारा एम वन क्या था, हमारा एम वन था टू और एम टू क्या था माइनस टू। अब माइनस टू क्योंकि छोटा है तो रिप्लेस तो इसी को करेंगे ना, तो हो गया एम प्लस टू, ठीक है। अब हमने एम वन तो यूज कर लिया तो एम प्लस टू हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं वाई स्क्वायर टू बी नॉट एक्स यू आर एम, एम प्लस टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया एम प्लस टू माइनस एम प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर प्लस एक्स यू आर फोर अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। हमें क्या करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि डेल वाई बाई डेल एम है, तो हमें क्या करना है पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एम में। अब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं सेम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा दो फंक्शन है, ठीक है। तो ये यू इन टू वी की फॉर्म में है ना, तो दो फंक्शन हो गए। अब फॉर्मूला लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल का, तो क्या बी नॉट इंटू एक्स की पावर एम लॉग एक्स एक्स एम प्लस टू माइनस एम प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज। अब अगले टर्म पे चलते हैं, अगला सॉरी प्लस का जो हम अब हमने यू का कर लिया, वी का करेंगे, तो वी का क्या आ गया प्लस बी नॉट इंटू एक्स की पावर एम ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस एम प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम प्लस फोर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वन बाय एम प्लस वन बाय एम प्लस टू माइनस वन अपॉन एम प्लस फोर ब्रैकेट क्लोज। अभी आ गया प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन एम एम इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वन बाय एम माइनस वन अपॉन एम प्लस फोर माइनस वन अपॉन एम प्लस सिक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 फाइनल ब्रैकेट क्लोज। ये आ गई हमारी डेल वाई बाई डेल एम, ठीक है। अब हम निकालनी है एम टू पे वैल्यू, तो एम टू क्या था हमारा माइनस टू था। अब माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू पुट करेंगे तो बी नॉट एक्स यू आर माइनस टू लॉग एक्स, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट एक्स की पावर फोर अपॉन माइनस टू इंटू टू इंटू फोर माइनस एक्स यू आर सिक्स अपॉन माइनस टू इंटू टू स्क्वायर इंटू फोर इंटू सिक्स प्लस डॉट 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 प्लस बी नॉट इंटू एक्स की पावर माइनस टू ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस टू इंटू टू प्लस वन अपॉन माइनस टू इंटू टू इंटू फोर ब्रैकेट स्टार्ट वन अपॉन टू वन अपॉन टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमारा ये एक्स स्क्वायर कैसे बना, कुछ लोग पूछेंगे, तो यहाँ से एक्स की पावर फोर कॉमन ले लिया। अब एक्स की पावर माइनस टू और प्लस फोर कितना हो गया, टू हो गया ना, क्योंकि बी नॉट एक्स की पावर स्क्वायर सॉरी बी नॉट एक्स की पावर टू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वन अपॉइंट टू स्क्वायर इंटू फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू टू का क्यूब इंटू फोर इंटू सिक्स प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस बी नॉट एक्स की पावर माइनस टू ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर प्लस एक्स फोर अपॉइंट टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हमारा ये था वाई इक्वल्स टू सी वन वाई एम वन प्लस सी टू डेल वाई बाय डेल एम इंटू एम टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैंने वैल्यू पुट करके डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं आपको पहले बता, अब मैं एंड में बताऊंगा, तो चलते हैं अपने फाइनल सॉल्यूशन के पास। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स की पावर स्क्वायर इंटू एट इंटू टेन प्लस डॉट 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 प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू की क्यूब इंटू फोर इंटू सिक्स डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स की पावर माइनस टू ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास सी वन और ए नॉट को हमने ए लिख दिया, सी टू ए नॉट को बी लिख दिया, क्योंकि हमें दो कॉन्स्टेंट चाहिए, उससे ज्यादा कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सी वन और सी टू की जगह हमें दो कॉन्स्टेंट चाहिए, तो हमने ए और बी से रिप्लेस कर दिया। ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन, इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। I hope you will understand how to find series based on Frobenius method. Now you will be able to find series based on Frobenius method. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant update on engineering mathematics. Thank you.